प्यारे से बादल दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ना स्नोफॉल गिरना हो चुकी है शुरू। पिछले एक दो दिनों से दोस्तों मौसम ऐसा हो रखा है कि आप ऊपर देख ही लो, सूरज की कोई नामो निशान नहीं है। कभी भी ना यहाँ पे अब स्नोफॉल हो सकता है। स्नोफॉल की जो तैयारी है लगभग तो मैंने कर लिया है, सिलेंडर वगैरह ले आया हूँ। अब एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वो है दोस्तों मेरी मूछें और बाल। अब क्योंकि ये मैंने अभी नहीं कटवाए ना, तो आने वाले टाइम में ये इतने बड़े बड़े हो जाएंगे भाई, ऐसा लगेगा कि मैं जंगली हो गया हूँ। क्योंकि आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि जब यहाँ पे ना स्नोफॉल हो जाती है तो उसके बाद रोड ब्लॉक हो जाते हैं, सारे के सारे दुकान वाले जो सबके सब भाग जाते हैं। रास्ते में फिर भाई बाल बुल जो भी कटवाने हो, या तो खुद ही ब्लेड लगा लो या तो फिर ऐसे ही बैठ लो। गुड मॉर्निंग, मेरा ब्रश कहाँ पे है? अंदर लेके आओ। और रिया मेरे लिए अभी यहाँ पे लगा रही है खाना। ऐसा लग रहा है मुंह कैसे 2 साल से तुम्हारा कल एग्जाम था ना? हाँ। हो गया, कैसा हुआ? फाइनल एग्जाम था। हाँ। खाना लग चुका है और सच बताऊं तो पता ही नहीं चल रहा कि दाल किस चीज की है, कौन सी दाल है ये, कौन सी वैरायटी है, मेरे को भी नहीं पता। 2-4 दालें इकट्ठी करके बनाई और देखने को बड़ी अजीब सी लग रही है। और टेस्टी बड़ी बनी है बहुत। नाक मत ऐसे करो, पता कितनी टेस्टी बनी है, देखने को थोड़ा बता रहा हूं। एक बार डालो, डालो, डालो। ये इतना जम गया है ना, ये देखो इतनी मेहनत लग रही है इसको, बर्फ का कमाल, इतना हार्ड हो गया जैसे पत्थर हो। सुबह पता क्या हुआ, मम्मी सुबह फ्रिज खोल के देखती है, वो ये दूध का क्या हुआ? तो फ्रिज किसने बोला था कि उसमें रखो? मम्मी रोज रखते हैं, और ये ज्यादा मोड पे थी इस वजह से उसमें बर्फ जमी। अभी लगभग ना 2 घंटे हो चुके हैं, धीरे धीरे दोस्तों आग चल रही है। एंड अभी ना सारे के सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी 2 घंटे लगभग यहाँ पे सेम बैठे हुए हमें बीत चुके हैं। वैसे सही बताऊँ तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि गाँव का जो जीवन है यहाँ पे बहुत सारा प्यार है, ढेर सारे लोग जो मिलजुल के रहते हैं। एक्चुअल में सच बात भी है, लेकिन दोस्तों पंजाबी में हमेशा कहते हैं ना, कहते हैं सजना हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि अंदर वो खुश है, मतलब कि हंसते चेहरे का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अंदर से खुश है। अभी लगभग 2 घंटों से हम कंटिन्यू यहाँ पे बैठे हैं, बस यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। अब लाइफ ना यहाँ पे दोस्तों ठंड के टाइम के ऊपर ऐसी हो जाती है, तो आपको सर्वाइव करना पड़ता है, अपनी जिंदगी काटनी पड़ती है। सच में अभी तक बर्फ नहीं गिरी है, बट फिर भी सोचो 2 घंटे हम एक ही जगह बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना कहीं काम पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, फिर अंदर ही बैठे रहो। तो हर कोई इंसान ऐसे सोचता है ना, जो कि गांव में रहता है उसका ड्रीम होता है कि वो कहीं बाहर जाए। इनफैक्ट जितने भी लोग भरमौर में रहते हैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे, उन्होंने सब ने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो नीचे वाली जगह पे रखी हुई, जैसे कि धर्मशाला, जैसे कि कांगड़ा, उन जगहों पे, ताकि लोग जो ठंड में वहाँ भाग जाए, तो इसलिए गांव भी अकेले पड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं अज्जू भाई, आपका भी है ऐसा ड्रीम? बिल्कुल है, कि एक और घर लेना है नीचे की साइड, वहाँ भाभी को लेके जाना है, फिर वो तो देख लेंगे ना जो भाभी होगी। तो अपने रजत भाई तो ऑलरेडी रहते ही नीचे है, तो यार ठंड में सही में दोस्तों मैं भी सोचता हूँ कि कभी करूँगा मूव ऑन, बट अब धीरे धीरे स्ट्रगल करना पड़ेगा, पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे इसके लिए, फिर प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। चलो भगवान की दया से एक ना एक दिन भी वो आ जाएगा, जब हम भी जब ठंड शुरू होगी तो भाग जाएंगे भाई यहीं नीचे की तरफ, और जैसे गर्मी आएगी, जैसे नीचे गर्मी हो जाती है तो उस टाइम पर आ जाएंगे यहाँ पे। ब्रोनी मेरे पत्र ब्रोनी, ओ मेरे ब्रोनी देखो कैसे लेट गया ब्रोनी, क्या हो गया, हार क्यों मान जाता तू? ब्रोनी ओए मेरे से बातें कर, क्या हाल है तेरे, ठीक है ब्रोनी? तू बातें भी करता है दोस्तों, अच्छा बैठ जा। कितना सा हुआ करता था यार, कितना बड़ा हो गया भाई अभी तो। बाहर के दोस्तों जितने भी आजकल लोग आते हैं ना, पहले अज्जू भाई को छोड़कर और रजत को छोड़कर, जिसको किसने पहचान लिया कि घर के बंदे आते जाते रहते, उनको तो कुछ नहीं बोलता, बाकी लोगों को भाई इस तरह से अटैक करता है ना, ऐसे लगता है कभी कभी कि चाहे काट ही ले, बट काटता नहीं है, बट फिर वो है ना, इसकी थोड़ी हेल्थ भी ठीक है, ऊपर से ऐसे जब भोंकता है वो भी डरावना सा लगता है। तो बड़े बड़े बंदों से भाई कई बार तो यहाँ से नीचे को छलांग दे देते हैं, वहाँ से भागते हैं, फिर लोगों को भगाता है आजकल ब्रोनी। कुछ दिन पहले दोस्तों जब मैंने वीडियो डाली थी कि मम्मी बोल रही है शादी कर लूँ या नहीं, तो बहुत से लोगों ने सजेशन दिया था कि भाई आप जो है पहले अपना घर डलवा लो अच्छे से। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इनके घर में जो वॉशरूम नहीं है, देखो यार आजकल तो वैसे भी स्वच्छ भारत अभियान चला हुआ है काफी टाइम से, वैसी बात नहीं है कि टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, घर से दूर है, ये बात जरूर है कि अटैच नहीं है। और यहाँ पे मैं घर को रेनोवेट दोस्तों इसलिए नहीं कर रहा, यहाँ पे काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से सोच रहा हूँ कि मुझे थोड़ा जो है वो कहीं और जगह पे, जहाँ पे अच्छी सी लैंड मिलती है वहाँ पे शिफ्ट होना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारा का सारा फोकस जो है वहाँ पे लगाऊं, वहाँ पे एक अच्छा सा घर डालूं, अगर वहाँ पे घर पड़ जाता है तो उसके बाद में मैं इस घर को अच्छी तरह से रेनोवेट कर दूंगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला ना भाई, पहाड़ों की जिंदगी वैसे तो मस्त है, लेकिन ठंड में यहाँ की जो जिंदगी है वो बिल्कुल ऐसे जाती है जैसे कि आपको काला पानी की किसी जेल में रखा हो। अभी मैं जा रहा हूँ रोड की तरफ, और रोड की तरफ जाने के पीछे भी एक रीजन है, अगर आपने गाड़ी रखी हुई है तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी 10-15 मिनट, ठंड कुछ इस हिसाब से होती है कि
एक बार आपकी बैटरी छोड़ गई ना भाई उस ठंड में, तो फिर आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी झटका वटका दिलवा के। जितने भी लोगों ने पहाड़ों में गाड़ियां रखी होती है ना भाई इन बड़े बड़े पहाड़ों में, तो सारे के सारे लोग जो है वो डेली जाते हैं ठंड के टाइम पे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं 15-20 मिनट। वैसे मैं भी करता हूँ, अज्जू एंड रजत को मैंने बोला है वो भी साथ साथ में आ रहे होंगे, तो आज थोड़ा सा मन हो रहा है कि मैंने कहा मैं भी ड्राइव कर लूं। आप लोग काफी बोलते रहते हो कि रवि भाई आप तो चलाते नहीं हो, चलाते नहीं हो। तो दोस्तों अभी गाड़ी चलाते चलाते अंधेरा हो चुका है एंड अभी इतना तो शोर है कि भाई मैं ये नहीं बोलता कि कोई परफेक्ट राइडर बन गया, बट थोड़ी बहुत जो है वो अभी राइडिंग करने लगा हूँ, धीरे धीरे दिल खुलने लगा है। बस आप लोगों को सच भी बता दिया था मैंने कि क्यों मैंने इतना टाइम ले लिया धीरे धीरे सीखने में, उसके पीछे का रीज़न एक ही है भाई कि पीछे फैमिली का प्रेशर रहता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस अगर मुझे कुछ हो गया भाई तो पीछे कोई भी नहीं है देखने वाला। तो इन चीज़ों को सोच के यार मैं ना बहुत जल्दी हाथ नहीं डालता था, और लोग बड़े कमेंट करने लग गए थे कि भाई कब से गाड़ी ली है तेरी, अपनी गाड़ी है तो सीख क्यों नहीं पा रहा। धीरे धीरे मैं अभी तक सीखा है नहीं हूँ प्रॉपरली, बट हाँ धीरे धीरे हो जाएगा आने वाले टाइम में, शायद हो सकता है अभी और टाइम लग जाए। यार अभी टाइम लगभग 9 बज चुके हैं, तो काफ़ी देर गाड़ी चलाई मैंने और टाइम है अभी घर को जाने का। अभी दोस्तों आप पहुंचो घर में एंड यहाँ पे आते ही मिल गया सरप्राइज, नए मेहमान आए हैं। हेलो दोस्तों, ठीक हो? हाय, बढ़िया हो ना? बड़े बड़े दिन तुम्हें कौन बोल रहे? ये ऐसे बीच में वो बनी स्टार बनी है, टोपी पहन दे कसम से ऐसे लग रही लेबर के बंदे नहीं होते अभी ऐसे थोड़ी यहाँ पे ना, जब अभी ठंड इतनी ज्यादा नहीं जब होगी तब आपको लेबर का बनना पड़ेगा। तो उसमें क्या है भाई, लेबर के बंदे भी बंदे ही होते हैं, वो कोई बुरी बात थोड़ी ना है, तो है ना। ये मैं आपके लिए लेके आई हूं भाई बाजी, गचक मीठा मैं खाता नहीं। और माता जी नमस्कार, चरण वंदना। मीठा नहीं खाता और क्या खाता है? कुछ नहीं, कड़वा कड़वा क्या खाता है बताओ, क्या मेरे को पता है मम्मी क्या बोलना है लागे से, गू ना वही ना, कुछ और ही बोलना चाहती हूँ, पर चलो तो आपने बोल दिया कि तो मैं यही बोलना चाहती हूँ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, कृपया अपनी बेइज्जती कराने से पहले यहाँ से जाएं। बेइज्जती नहीं, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। ये देखो ये आग लगी हुई है, धुआं चल रहा है, वही आम जिंदगी। जीजा और ब्रोनी का आपसी प्यार, जीजा पहचान तो लिया आपको इसने। ओए ब्रोनी, जीजा मैं बोल दिया इसको अभी काट लेगा ये, जितनी ब्रोनी कर दे अटैक, शॉश कर दे अटैक, कभी नहीं कह सकता। ये देख लो इधर आ गया, कर देगा अटैक। तुम्हें क्या है, तुमने कसम तो नहीं खाई चुप रहने की? नहीं, बड़े शांत हुआ है। मैं शांति रहती हूं, शुक्र है। पहली बार फैमिली में कुछ ना कुछ लेके आए हैं, शलगम शलगम खाएंगे क्या? बहुत बढ़िया चीज लेकर। जीजा क्या, जीजा केला खा रहे हैं? जीजा जीजा हेल्थ क्यों नहीं बनती? रिया सच बोलती है। रिया क्या पूछा था तुमने जीजा से? जीजा ऐसे पतले से हैं। जीजा क्या बात है, ऐसे क्यों नहीं बनती आपकी सेहत? दीक्षा भी तो आपके जैसे है, दोनों मियाँ बीबी सूखे सूखे है। ये भी बहुत खाती वैसे, ये भी एक दांत तो सड़ते हैं जैसे मेरे सड़े हुए। अभी सड़े नहीं, आपको नीला दिखाना, अपना थान का दांत दिखाना। नहीं मैंने आज ब्रश नहीं किया। छी यार भाई, मेरे को टाइम नहीं लगा, ठीक है? मैं सुबह जल्दी जल्दी आई थी। आप किसने जैसे घूर रहे हो मुझे, मैंने क्या कर दिया था? गाड़ी लेकर तो गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा, तो चलो फिर सीखूंगा कैसे? दिल्ली सीखने जाते हैं, मैं कितना राशन लेकर आई है, वहाँ क्यों नहीं आई गाड़ी लेकर? तो मेरे को क्या पता, कैमरा लगा अभी जो बात मैंने बोला दीक्षु ना, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, बोला था भाई, बोल रहा था आपको ट्रस्ट ना हो मेरी ड्राइविंग पे, तो फिर मैं क्या करूँ बताओ? बैठाया कब मेरे को? मेरे को ट्रस्ट नहीं है। क्या बैठाया कब? ब्लॉग में बैठाया, ब्लॉग में देखो हुआ लोगों ने। नहीं तो खुद चला रहा था, कब बैठाया? मेरे को बोला था भाई ने, मेरे को बोला था भाई ने कि बोला मैं आ जाऊँ। गाड़ी की बार सोने लगती नहीं, तब ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं और मरने से क्या डरना। मतलब कोई खतरनाक मोड़ आ रहा है, जोर से दबाते ऐसे कि मतलब मम्मी हाँ, जैसे गाड़ी ऐसे मुंह क्या उससे रुक जाएगी, फिर मैं पकड़ लेती हूं, जोर से रुक जाएगी उससे पकड़ने। आपका डर तो चला जाएगा। डर कैसे चला जाएगा और क्या, इसीलिए तो पकड़ दिया जोर से। प्याज यहाँ पे कट चुका है, खाने को क्या बन रहा है आज? मैं नहीं बना रही, मेरी तरफ मत करो ऐसे, आज मैं मेहमान भाई मेरी तरफ कर रहा है पीछे। तुमसे कोई उम्मीद रखी भी नहीं हमने, मेहमान हो मेहमान बनती तरह रहो, ठीक है? हम नहीं बोल रहे, मैं बनाने भी नहीं वाली, ठीक है? ठीक है तो मत बना। मैंने बनाए चावल दाल बना रही थी, ये तो भैंस की तरह से बैठी हुई, मेरे को चढ़ाई हुई एक घंटा हो गया, तब से मैंने तरफ से बना के रखा है खाना। ये दोस्त नए नए आए हैं हमारी फैमिली में, और ये शर्मा रहेगी, ये ऐसे ही चलता है इनका। हमारे दोस्त बहुत शर्माते, दोस्त नहीं है मेरी मासी की लड़की है वो, सगी मासी की लड़की, ठीक है? गलत तरीके से मत बात तुम पेश आओ सारे के सारे। मेरे को पता है आप बार बार मम्मी घूर के देख रहे हो, आपको गालियाँ देनी है। जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया मम्मी ने मेरे पे अटैक किया।
दोस्तों इतनी देर से जो बातें बता रहे थे ना सारे के सारे लोग, ये झूठे लोग देख लो, ये बोल रहे थे कि खाना बन चुका है, खाना नहीं बना था। एक्चुअली मैं बना रहा हूँ खाना, और वो भी अपने जीजा के लिए। जीजा कैसा लगता है मेरा हाथों का खाना? सही लगता है ना? बड़ा अच्छा। क्या हुआ, चुप्पी हो गए, इतना नर्वस क्यों हो गए? आप कुकिंग जो आप कर रहे हैं आज ना, स्पेशल जीजा के लिए फिर से एक बार यहाँ पे खाना बना रहा हूँ। फिलहाल प्याज जो है वो पक चुका है, हाँ ठीक है, और बना क्या रहा हूँ वो तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा उस चीज को, क्योंकि घर में मैं एक ही चीज बनाता हूँ। बाकी अभी फटाफट से कुकिंग करता हूँ, फिर पूछते हैं जीजा जी से कि कैसा बना खाना। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए अपने कमरे में। दोस्तों आज पूरा दिन गाड़ी चलाते रहे, और अज्जू के साथ क्या हुआ है अज्जू भाई, हैंड ब्रेक खींचने से मुझे बताना कि क्या हुआ। अज्जू ना जैसे ऐसे पकड़ के बैठा होता है हैंड ब्रेक, ऐसे मुझे कभी भी डैम लगने लगता है कि ऐसा ना हो गई कि कुछ गलती मैं करूँ ना और अज्जू पहले ही हैंड ब्रेक खींच दे। तो मैं मैनी टाइम ऐसे अज्जू को बोलता रहता हूँ, भाई ऐसे मत खींच दियो, ऐसे मत खींच दियो, ऐसे मत, पर पूरा स्ट्रिक्ट होकर और पूरा ध्यान लगा के। उस टाइम पे मैं वीडियो तो नहीं बना सकता था, लेकिन अगर वीडियो बना के आपको दिखा दूं ना भाई तो बड़ा खतरनाक मीम बनेगा, इतना मैं बोल देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना कि बीच बीच में ब्लॉग भी बनाता रहता हूँ, और बीच बीच में हल्का हल्का जो अपनी तरफ से एडिट भी करता रहता हूँ। जस्ट अभी मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया है, अब जो है बैठ जाता हूँ एडिटिंग पे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम भी निकलता रहे तभी पॉसिबल हो पाता है। कई बार रात के टाइम पे ऐसा टाइम ही नहीं लगता, खाना खाना खाने के बाद ऐसे नींद से आने लगती है, फिर दिल करता है कि सो जाए। तो वैसे मैं अच्छा है कि साथ साथ में काम भी करते रहो, एडिटिंग भी करते रहो, और साथ साथ में अपने रजत भाई भी पूरा साथ देते हैं। जब मैं छोड़ देता हूँ तो ये एडिटिंग करने शुरू कर देते हैं, और जब ये छोड़ते हैं तो मैं कर देता हूँ।